एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, पूरा इंडिया धोनी धोनी चिल्लाएगा। फिर से रिलीज होगी सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म। बॉलीवुड इंडस्ट्री की हिट फिल्मों की बात की जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी का नाम जरूर लिया जाएगा। साल 2016 में रिलीज हुई इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाया था। अब फैंस के लिए खुशखबरी है क्योंकि फिल्म एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी एक बार फिर सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। तो आइए जानते हैं आखिरकार ये फिल्म 7 साल बाद कब सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म बताते चले कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का साल 2020 में निधन हो चुका है। फिल्म एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी साल 2016 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। अब मेकर्स ने फिल्म को दोबारा रिलीज करने का मन बनाया है। स्टार स्टूडियो ने अपने ट्विटर हैंडल पर फिल्म एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी एक पोस्टर शेयर किया है। इसके साथ लिखा है, जब माही फिर पिच पे आएगा पूरा इंडिया सिर्फ धोनी 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 चिल्लाएगा। एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी 12 मई को सिनेमा घरों में फिर से रिलीज होगी। फिल्म के दोबारा रिलीज होने की खबर से महेंद्र सिंह धोनी और सुशांत सिंह राजपूत के फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। गौरतलब है कि नीरज पांडे के डायरेक्शन में बनी फिल्म एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट करियर के साथ ही उनका बचपन से लेकर उनकी रेलवे की नौकरी के दौरान क्रिकेट को लेकर दीवानगी दिखाई गई है। फिल्म एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत सिंह राजपूत के अलावा कियारा आडवाणी, दिशा पाटनी, अनुपम खेर और भूमिका चावला भी महत्वपूर्ण भूमिका में थे। बताते चले कि महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 2011 वर्ल्ड कप जीता था, वही इस समय IPL में नजर आ रहे हैं। तो आप सभी बताएं कि आखिरकार एक बार फिर धोनी के नारे लगाने के लिए कितने ज्यादा है सुपर एक्साइटेड। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।